नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं आपके लिए जिसको सुनकर शायद आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। प्रभास और श्रद्धा अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए नजर आएंगे बिग बॉस के घर में। हाँ जी, ये खबर अभी सोशल मीडिया पर फैली हुई है। रेबल स्टार प्रभास की जो मूवी है साहो, वो इस साल की सबसे बड़ी एक्शन मूवी है और अभी तक की एक्शन मूवी सबसे बड़ी नजर आ रही है। प्रभास जो है वो हर एक घर में जाने जाते हैं अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी एक्टिंग स्किल्स के लिए, और जिस तरीके से वो स्क्रीन पर नजर आते हैं एक सॉलिड अंदाज में, उसके लिए वो जाने जाते हैं। उनकी जो मूवी है वो एक्शन ड्रामा से भरपूर है और बहुत ज्यादा बड़े बड़े एक्शन सीन्स आपको साहो में देखने को मिलेंगे। उनके साथ बॉलीवुड एक्टर्स श्रद्धा कपूर, नीन नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे जैसे कलाकार आपको इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। और जो प्रभास है उनका जो लुक है इस मूवी में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लुक के साथ नजर आएंगे, और हमें शायद मेकर्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने टीजर में उन्हें इस कदर दिखाया और उनका जो लुक है वो हमें इतने अच्छे अमेजिंग तरीके से देखने को मिला। तो वी आर श्योर कि प्रभास की जो फैन फॉलोइंग है वो वेट कर रही है, मरे जा रही है साहो को देखने के लिए। हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बस 15 अगस्त का वेट कर रहे हैं। प्रभास जो है उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि साहो के लिए उन्होंने दिन रात एक किया है, और एक से एक जो सीन है यानी कि बारीकी से जिस तरीके से काम किया है साहो में, वो अपने आप में बहुत अमेजिंग चीज है। जो मूवी है वो बहुत सारा बस जो है और बहुत सारी जो जिज्ञासा है, इच्छा है, वो पैदा कर चुकी है फैंस के बीच में। लोग पागल हुए जा रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए, और सोशल मीडिया पर हमने बहुत सारी चीजें हम सुन चुके हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहो जो है यानी कि प्रभास जो है वो अपनी फिल्म को छोटे पर्दे पर प्रमोट करेंगे बड़े स्तर पर। यानी कि बड़े स्तर पर किस तरीके से वो प्रमोट करेंगे अपनी फिल्म को, वो अपने आप में एक बहुत अमेजिंग किस्सा है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार प्रभास जो है वो दो शोज के जरिए अपनी फिल्म को प्रमोट करने जाएंगे। पहला शो मैं आपको बताऊं, नंबर 1 यारी विद राणा का जो टॉक शो है उसमें प्रभास और श्रद्धा नजर आ सकते हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। बड़े स्तर पर प्रमोशन किया जाएगा क्योंकि ये साहो फिल्म है, ये प्रभास की मूवी है। दूसरा जो मंच होगा वो होगा बिग बॉस का, यानी कि बिग बॉस के जो तेलुगु सीजन है, थर्ड सीजन है बिग बॉस का, बिग बॉस तेलुगु सीजन 3 में नजर आएंगे प्रभास और श्रद्धा और अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। हो सकता है कि टीम के दूसरे मेंबर्स भी आपको नजर आए इस मंच पर, लेकिन अभी तक जो खबरें हैं वो ये है कि इन दोनों टॉक शो का हिस्सा बन सकते हैं साहो। तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा खबर जो है वो बहुत अच्छी, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारे खुलासे करते नजर आएंगे साहो, जिसकी वजह से उनके फैंस और भी ज्यादा जो एक्साइटमेंट है इस मूवी को देखने के लिए वो बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि बिग बॉस के तेलुगु सीजन 3 में जो अगस्त का फर्स्ट वीकेंड होगा, अगस्त का, उसमें नजर आएंगे ये दोनों बिग बॉस के घर में। जो कि ये जो न्यूज है ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है, अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी वो अभी बस कुछ समय में होने वाली है। प्रभास और श्रद्धा और नील नितिन मुकेश जैसे बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे विलेंस, एक मल्टी स्टारर मूवी, बहुत सारे एक्शन सीन्स जो कि टीजर में हम देख चुके हैं, एक छोटे से म्यूजिक ने जिस तरीके से जान डाल दी टीजर में, वो अपने आप में एक बहुत अमेजिंग चीज थी। और जिस तरीके से नंबर 1 यारी विद राणा के शो में और बिग बॉस के मंच पे, यानी कि जो बिग बॉस का तेलुगु सीजन है 3 वाला, उसमें जब नजर आएंगे साहो अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे, वैसे उनको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है प्रमोट करने के लिए फिल्म को, उनके फैंस काफी हैं उनकी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो इन शो का हिस्सा बनते हैं और मस्ती मजाक करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन शो का हिस्सा बने प्रभास और श्रद्धा, तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज।